हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ शंकर जी के मंदिर में। तो फ्रेंड्स, हमारे गांव का सबसे फेमस मंदिर है श्री पाळेश्वर मंदिर। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल ये मंदिर का काम चालू है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा आपको कम्फर्टेबल ना दिखाई दे। देख सकते हैं फ्रेंड, कुछ इस तरह से मंदिर है। फ्रेंड्स, ये कुआं वो कुआं है कि जहाँ से हम लोग बचपन में, मेरी मम्मी मैं छोटी थी तभी हम लोग यहाँ से पानी पीने के लिए भरते थे। एक समय हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी, तो हमारे घर से हमें यहाँ पानी पीने के लिए लेने के लिए आना पड़ता था। तो फ्रेंड, बचपन की बातें भूलने से भी नहीं भूली जाती हैं। तो जब भी मैं मंदिर आती हूँ तो मेरी मम्मी जिस तरह से यहाँ से पीने के लिए पानी लेके जाती थी, मुझे याद आ जाता है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं ये है नंदी महाराज जी। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। बहुत ही फेमस मंदिर है फ्रेंड्स हमारे गांव का। ये मंदिर को कहते हैं श्री पाळेश्वर मंदिर। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। महाशिवरात्रि में यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है फ्रेंड्स, बहुत ही भीड़ रहती है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। कहते हैं कुछ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो यहाँ पर विराजमान है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कुछ अंदर से इस तरह से है मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है फ्रेंड्स, और बहुत ही पुराना है, कई साल पुराना मंदिर है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी शिवलिंग है फ्रेंड, देखने से दिल को छू जाती है। मैं जब भी गांव जाती हूँ तो मैं पहले यहाँ दर्शन करने के लिए ज़रूर आती हूँ, क्योंकि मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं अभी एक दिया दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दिया जो है वो अखंड दिया है। ये हमेशा दिया जलता ही रहता है, ये कभी बुझता नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, देख सकते हैं ये है वो दिया जिसको अखंड दिया बोला जाता है। फ्रेंड, चलिए अभी मैं बाहर जाने वाली हूँ मंदिर से। तो ये देख सकते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको छोटा सा ही रास्ता मिल जाता है। देख सकते हैं इस तरह से आपको सीढ़ियाँ मिल जाती हैं। बहुत दूर दूर से मंदिर के दर्शन करने के लिए फ्रेंड्स लोग आते हैं। देख सकते हैं सामने आपको नंदी महाराज दिखाई दे रहे होंगे। ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्रतिमा है उनकी भी। सामने आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, नाग की प्रतिमा दिख रही है मंदिर के ऊपर। फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है ये हनुमान जी का मंदिर है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं मेरा लड़का यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पे अभी काम चालू है। मैंने यहाँ के पंडित जी से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे छोटा सा अभी हॉल बनने वाला है। एक्चुअली जब कोई भी बाहर से आता है तो उनको बैठने उठने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे धूप रहती है। कुछ इस तरह से मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। पहले पूरा एकदम सिंपल सा मंदिर था, अभी यहाँ पे थोड़े थोड़े घर बन गए पंडित जी के रहने के लिए। यहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में फ्रेंड्स होम हवन होते हैं, भंडारा होता है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं अब मैं दिखाऊँगी आपको पूरा मंदिर किस तरह से है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं ये पूरा मंदिर का ही एरिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा मंदिर।